तन में विचारों की दो धाराएं एक साथ चल रही थी, एक नरम और दूसरी गरम। यानी कि कुछ लोग गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के विपरीत धारा में चलने के हिमायती थे, और उन्हीं में से एक थे सुभाष चंद्र बोस, जिनकी दिलचस्प कहानियां आज के झारखंड की माटी से जुड़ी हुई है। भारत को आजादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका को देश युगों युगों तक याद करेगा। शायद कम लोगों को पता होगा कि धनबाद से 50 किलोमीटर दूर कोमो रेलवे स्टेशन से नेताजी की सुनहरी यादें जुड़ी हुई है। बात 18 जनवरी 1941 की है, जब नेताजी ने अंग्रेजों को चकमा देने के लिए काबुलीवाला बनकर कोमो रेलवे स्टेशन से कालका मेल पकड़कर पठानकोट होते हुए अफगानिस्तान पहुंचे और फिर जर्मनी और जापान पहुंचकर देश को आजाद कराने का सपना देखा। नेताजी को गोवा स्टेशन के पास ही लोको बाजार के अब्दुल्ला कॉलोनी में ठहराया गया था और एक मुस्लिम परिवार ने उनकी पहचान छुपाने में मदद की थी। मशहूर वकील एसएम अब्दुल्ला और अमीन दर्जी ने उन्हें ट्रेन पर चढ़ाकर विदा किया था। काबली वाले बन के अब चले गए स्टेशन, वो अमीन दर्जी ने स्टेशन छोड़ दिया, उसके बाद से वो कालका हुकूमत के खिलाफ बगावत को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे पकड़ नहीं सके। यहाँ तक कि भारत की आजादी के बाद भी उनके बारे में रहस्य बना हुआ है। देश में बर्मा की ओर से लड़ाई करते हुए अरुणाचल प्रदेश तक घुस गए थे, फिर बीच में 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया, जिससे जापान हार गई। परिणाम तो हमारी उस समय की आजाद हिंद फौज को भी रुक जाना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक स्मृति इसके साथ जुड़ा हुआ है और गोमो की जनता भी इस चीज को बहुत गौरवपूर्ण ढंग से याद करती है। इसी जगह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रेन पकड़कर काबुल के लिए रवाना हुए थे और यहां से ही कहा जाता है कि कालका पकड़े थे और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चल पाया। कैमरामैन शाहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, ईटीवी न्यूज, धनबाद। महात्मा गांधी ये नाम सिर्फ शख्सियत भर नहीं, एक दर्शन है जिसमें जीवन और संघर्ष का पूरा बिंब नजर आता है। हम आपको झारखंड के कुछ ऐसे लोगों के बारे में दिखाने जा रहे हैं जो गांधी के दर्शन के पोषक और वाहक दोनों हैं। टाना भक्तों की जमात की आंखों में तिरंगा बसता है, दिल में तिरंगा बसता है। घर की दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीर मिले ना मिले, घर में तिरंगा जरूर मिलेगा।